हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. वेलकम टू माय चैनल लॉ स्कॉलर्स एंड लीगल इश्यूज. आई एम एडवोकेट वनिता. आई एम प्रेजेंटिंग हेयर टुडे विद द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. इन द लास्ट प्रीवियस क्लास ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सिटीजनशिप एंड वट आर द स्टेप्स फॉलोड बाय एक्वायरिंग सिटीजनशिप. सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या कंडीशंस होती है, वो हमने डिस्कस कर लिया था. वैसे तो मुझे एसआरए का ही टॉपिक बनाना था, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, बट वो अभी पेंडिंग है. एक लेक्चर के बाद वो पूरा हो जाएगा सिटीजनशिप. उसके बाद हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 और 6 को कवर करेंगे. तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सिटीजनशिप को सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है वो सिटीजनशिप से डील करता है, जो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि सिटीजनशिप होती क्या है. सिटीजनशिप का मतलब है कि जो हमारे देश में रहने वाला व्यक्ति उसे परमानेंटली यहाँ की मान्यता मिली हुई हो. सिटीजनशिप को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नागरिकता. उसे हमारे देश की नागरिकता मिली हो तो उस व्यक्ति के पास हर प्रकार के राइट्स, ड्यूटीज़, प्रिविलेजेस, उसके जो विशेष अधिकार है, उसके जो कर्तव्य हैं, सारे उसको दिए जाते हैं. और जिन व्यक्तियों को ये पॉलिटिकल राइट्स और सोशल राइट्स दिए जाते हैं, सिविल राइट्स दिए जाते हैं, वो सिटीजनशिप के अंदर आ जाते हैं, वो भारत के सिटीजन्स कहलाते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी सिटीजन हैं जो भारत में रहते हैं और वो परमानेंटली यहाँ नहीं रहते, टेम्पररली रहते हैं, और उनकी जो सिटीजनशिप है वो दूसरे देश की है, नागरिकता दूसरे देश की है. ऐसे व्यक्ति को एलियंस बोला जाता है. ये एलियंस वो एलियंस नहीं है जो मूवीज़ में देखते हैं कि दूसरे ग्रह से कुछ लोग आ गए और उसे हम एलियंस कहते हैं. ये एलियंस उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते. एलियंस के भी दो प्रकार होते हैं. सबसे पहला तो वो क्या फ्रेंडली एलियंस होते हैं, जैसे जिस देश के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशनशिप है, जिस देश के साथ हमारे मित्रता का व्यवहार है वो. और सेकंड एनिमी एलियंस. एनिमी एलियंस वो व्यक्ति होते हैं जो युद्ध के समय जो है हमारे देश के अंदर रह रहे हों, या युद्ध की वजह से, या जिस व्यक्ति के साथ देश के हिसाब से हमारे दुश्मनी के संबंध हो, वो एलियंस होते हैं. जो फ्रेंडली एलियंस है उनके साथ हमारे सॉफ्ट रिलेशनशिप होंगे, और जो एनिमी एलियंस है उसके साथ हमारे हार्ड रिलेशंस होंगे. उसके बाद हमने ये देखा कि सिटीजनशिप कितने प्रकार की होती है. तो सिटीजनशिप दो प्रकार की होती है, जस्ट सोली और जस्ट सैंग्विनियन. जस्ट सोली का मतलब है राइट ऑफ द सोइल, कि उसका जन्म हुआ है मिट्टी पे. और राइट ऑफ द ब्लड, ब्लड का मतलब उसके पेरेंट्स वगैरह जो है इस देश में रहते हों. तो इंडिया में दोनों प्रकार की सिटीजनशिप वैलिड माना गया है, बर्थ और नेचुरलाइज को. ऐसा नहीं है कि यूएसए में से माना नहीं गया, उसे भी वैलिड करार दिया गया है. लेकिन यूएसए में अगर कोई बोर्न अमेरिकन है तो ही, जिस व्यक्ति का जन्म ही अमेरिका में हुआ हो, सिर्फ वही व्यक्ति प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए योग्य माना जाता है. लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है. भारत में अगर सिटीजनशिप मिल गई है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू है, चाहे वो नेचुरलाइज्ड हो, या वो बाय ब्लड हो, या बाय सोयल हो, जैसे भी उसको सिटीजनशिप अगर मिल जाती है, तो हर एक प्रकार का सोशल, सिविल और पॉलिटिकल राइट का जो है एक्सरसाइज कर सकता है. सिटीजन कितने प्रकार के होते हैं. सिटीजन बाय डोमिसाइल. डोमिसाइल आर्टिकल 5 डिस्कस करता है. आर्टिकल 5 जो है सिर्फ एक ही प्रकार के डोमिसाइल का डिस्कस करता है, जिसकी दो कंडीशन दी है, कि डोमिसाइल इन इंडिया हो या उसके परिवार का कोई सदस्य भारत में रह रहा हो लास्ट 5 साल से. जब ये कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके पहले के 5 साल से वो वहाँ रह रहा हो. और इससे रिगार्डिंग दो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, अथॉरिटीज़ आप बोल सकते हो इन्हें, मोहम्मद रजा वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे, प्रदीप जैन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. आर्टिकल जो 5 है वो सिर्फ एक ही प्रकार के डोमिसाइल की बात करता है, डोमिसाइल ऑफ इंडिया, डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन. डोमिसाइल ऑफ चॉइस की बात आर्टिकल 5 नहीं करता. डोमिसाइल ऑफ चॉइस जो है वो प्रदीप जैन के केस में बताया गया था, ये व्यक्ति की इच्छा है कि वो कहाँ रहना चाह रहा है तो वो वहाँ का डोमिसाइल माना जाएगा. लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ही प्रकार के डोमिसाइल को डिस्कस करता है. उसके बाद है सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स ऑफ पाकिस्तान. ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत में आ गए हैं उनको भी भारत की सिटीजनशिप मिलेगी. क्या कंडीशन है. सबसे पहली कि वो मार्च 1947 से पहले वो या उसके फैमिली मेम्बर्स आ गए हों. और सेकंड कंडीशन है कि मार्च 1947 से के बाद अगर वो आते हैं तो आर्टिकल 6 के तहत वो जो है सिटीजन माने जाएंगे. लेकिन उसने अपनी मर्जी से पाकिस्तानी सिटीजनशिप ले लिए तो भारतीय सिटीजनशिप जो है वो रद्द
हो जाएगी। उसके बाद एक व्यक्ति जो है वापस जब पहले पाकिस्तान जाके वापस इंडिया में आता है तो इमिग्रेशन के थ्रू आएगा, पाकिस्तान के थ्रू एक लीगल अथॉरिटी के थ्रू वो आएगा। वो कंडीशन है कि जुलाई 1948 से लेकर के बाद, लेकर का मतलब उसके बाद, उसके बाद वो अपने आप को इंडियन सिटीज़न में रजिस्टर्ड करवा सकता है। और जो भी सिस्टम, जो भी फॉर्म, जो भी मेथड, जो भी मैनर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सिटीजन्स ऑफ इंडिया अब्रोड, ऐसे व्यक्ति जो विदेश में रहते हैं, आर्टिकल 8 उनके साथ डील करता है। अगर उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में जन्म हुआ है, या उनके किसी फैमिली मेम्बर्स का इंडिया में जन्म हुआ है, या उनमें से कोई एक व्यक्ति यहाँ का सिटीजन है और उनके बच्चे जो विदेश में रह रहे हैं, तो भी वो डोमिसाइल माने जाएंगे अगर वो एक साल के अंदर यहाँ रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो। अब एक्विजिशन ऑफ सिटीजन कैसे होती है? सिटीजनशिप बाय बर्थ होती है, लॉ ऑफ सॉयल ये हमने डिस्कस कर लिया था, सिटीजन बाय डिसेंट डिस्कस कर लिया था, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन भी हमने डिस्कस कर लिया था, और सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन भी हमने डिस्कस कर लिया था। ये इसकी कुछ कंडीशन आप उन्हें माइंड में रखिएगा। सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया भी हमने डिस्कशन कर लिया था। आज हम जो फ्रेश टॉपिक हमारा स्टार्ट कर रहे हैं वो है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, कि सिटीजनशिप को टर्मिनेट मतलब ख़त्म कैसे किया जाएगा, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं कि क्या वो सिटीजनशिप अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, या उसको किसी मेथड से समाप्त किया जाएगा, या उसके कुछ अलग कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि जो टर्मिनेशन की बात है, एक्विजिशन की बात तो देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बताता है, लेकिन टर्मिनेशन की बात जो बताता है वो बताता है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में तीन तरीके से सिटीजनशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। फर्स्ट इज रेनन्शिएशन। रेनन्शिएशन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपने आप ही कोई ऐसा एक्ट कर दे, अपनी मर्जी से, वॉलंटरी एक्ट मतलब अपनी मर्जी से कोई ऐसा एक्ट कर रहा है कि वो किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है, तो वो हमारे देश की सिटीजनशिप से हाथ धो बैठेगा। कहने का मतलब है उसे रेनन्शिएशन बोला जाएगा, जो अपने आप ही छोड़ कर सब कुछ विदेश की सिटीजनशिप ले लेता है। सेकेंड इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन होता है उस तरीके से टर्मिनेट होगा लॉ के द्वारा। एक व्यक्ति भारत का सिटीजनशिप है, उसके पास भारत का सिटीजन, उसके पास सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, और वो दूसरे की एक्वायर कर लेता है तो ऑटोमेटिकली वो सीज हो जाएगी। अगर वो यहाँ पर उसको टर्मिनेट भी नहीं करता तभी ऑटोमेटिकली सीज मानी जाएगी। डिप्राइवेशन का मतलब है वो कंपल्सरी टर्मिनेशन होता है इंडियन सिटीजन्स का, जो किसी रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो है उसको वंचित कर दिया जाए। डिप्राइव का मतलब वंचित कर देना, किस बेस पर? गवर्नमेंट के ऑर्डर पे। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने रेनन्शिएशन कर दिया, टर्मिनेशन कर दिया, उसके बाद भी वो यहाँ भी वोट डाल रहा है, फ्रॉड कर रहा है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कंसीलमेंट कर रहा है, जो कुछ बात की कंसीलमेंट, किस बात को छुपाने की बात कर रहा है, वो कोई भी ऐसा मटेरियल एक्ट, मटेरियल एक्ट का मतलब, मटेरियल फैक्ट का मतलब कि जो एक आवश्यक चीज़ थी बतानी लेकिन वो नहीं बताता है, डिसलॉयल है, वो हमारे देश के प्रति लापरवाह है। डिसलॉयल का मतलब है हमारे देश के प्रति वफादार नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को भी सिटीजनशिप जो है रद्द की जा सकती है, उसे बोला जाता है डिप्राइवेशन। थ्री टर्म्स याद रखना। रेनन्शिएशन जो है हिंदू लॉ के अंदर जो डाइवर्स का जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में भी फॉल करता है। रेनन्शिएशन कोई व्यक्ति अपने आप घर परिवार छोड़ देता है तो उसके बाद जो है वो एक डाइवर्स का ग्राउंड बन जाता है। उसी तरीके से रेनन्शिएशन यहाँ सिटीजनशिप की बात हो रही है, सिटीजन नहीं रहना चाहता वो इस देश का तो उसकी जो है नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। सेकंड है ऑपरेशन ऑफ लॉ से टर्मिनेशन से। गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, वो किसी की सिटीजनशिप सीज कर सकता है। डिप्राइव सीज करेगा उस कंडीशन में जब उस व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली हो। लेकिन जब डिप्राइवेशन की बात आती है तो डिप्राइवेशन का मतलब है कंपल्सरी टर्मिनेशन, कि कंपल्सरी टर्मिनेशन हो जाएगा, दोबारा वो अगर यहाँ का सिटीजन बनना भी चाहेगा तब भी वो नहीं बन सकता। तो ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। अब हम बात करते हैं कि क्या अब तक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में अमेंडमेंट्स हुए तो कितने हुए, कितनी बार हुए, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे लिए सिर्फ ये मोटी मोटी हेडिंग इम्पोर्टेंट है। जैसे द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005, एंड लास्ट वन इज 2019 का जो अमेंडमेंट एक्ट है। प्री में क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है 1955 को उसको अमेंड किया गया, तो 5 times। फर्स्ट 86, 1992, 2003 और 2005 और 2019। हमारे लिए 2019 का जो अमेंडमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही वो अमेंडमेंट है जिसकी वजह से काफ़ी बवाल मचा था, यही वो अमेंडमेंट है जिसके लिए
जो पूर्वी साइड के लोग थे भारत देश के, जो ईस्टर्न एरिया के जो पीपल थे, वो इतने ज़्यादा भड़क गए थे कि उन्होंने जगह जगह जो है प्रदर्शन किया, रोष मार्च निकाला, धरना प्रदर्शन किया। एजिटेशन इतना ज़्यादा हाई हो गया था कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था, इसको इतना हाई क्यों बता दिया गया, इसके पीछे भी कुछ रीज़न थे, वो रीज़न हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और ये हो गया, मैं ओरली आपको बताऊंगी इसके रिगार्डिंग कि जब इतना कुछ हो गया था तो उस टाइम में कौन कौन से ऐसे राज्य थे, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने भी ऑर्डिनेंसेस पास कर दिए थे कि ये जो एक्ट है इसको हम नहीं मानेंगे। वो मैंने रिटन फॉर्म में आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि वो सिर्फ न्यूज़ की हेडलाइंस थी, जिसको बताना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 का, तो क्या बवाल मचा, किस तरीके से बवाल मचा। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या कब इसको इंट्रोड्यूस किया, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये इंट्रोड्यूस किया गया 15 जुलाई 2016 को, यानी कि आप मान के चलो कि 3 साल पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जब ये पास हुआ उसके बाद, नोटिफाई हुआ उससे पहले कम से कम 3.5 साल लग गए थे इसको। तो इसके अंदर और क्या क्या हुआ, ये कब पास हुआ, पास हुआ ये 11 दिसंबर 2019 को, तो ये भी आप माइंड में रखिएगा। कब नोटिफाइड हुआ, ये नोटिफाइड हुआ 10 जनवरी 2020 को। तो इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया, तो इसके पीछे क्या क्या न्यूज़ में हेडलाइंस आई, वो भी मैं थोड़ा सा आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। इसके अंदर हेडलाइंस आई थी, हम पहले इसमें देख लेते हैं कि क्या था इसका मेन मकसद। ये अमेंड किया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को, उसके बाद इसने इंडियन सिटीजन को एक ऐसा रास्ता दे दिया, जो इलीगल माइग्रेंट्स थे, इलीगल अवैध तौर पर जो हमारे देश में आ रहे थे, लेकिन इस एक्ट में जो अमेंडमेंट एक्ट आया इसमें उनको सुरक्षा दी गई। उनको सुरक्षा ये दी गई कि अगर वो हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी और क्रिश्चियन है, तो वो अगर मान लो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भाग कर आए हैं, या तो 31 दिसंबर 2014 को आए या इससे पहले आए, तो उन सबको, इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई। तो यहाँ पर कुछ हद तक माइनॉरिटी के साथ भेदभाव किया गया, जैसे कुछ ऐसे लोग थे जैसे मुस्लिम्स है, ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश से अफगानिस्तान है वहाँ पर मुस्लिम के साथ अच्छा ट्रीट किया गया होगा, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ उन्हें अच्छा व्यवहार मिला होगा। क्या सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ही ऐसे देश हैं जहाँ से ये लोग आएंगे, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट वगैरह, जो ये सिक्स कम्युनिटी बता दी गई, तो ही उनको सिटीजनशिप मिलेगी? मान लो कोई श्रीलंका में कोई हमारा हिंदू भाई रह रहा है या मुस्लिम भाई रह रहा है, पारसी रह रहा है, अगर उनके साथ कोई इल ट्रीटमेंट हो रहा है, और वो भी तो इलीगल माइग्रेंट्स हैं। तो उस लेवल पर काफ़ी विवाद हुआ था कि ये जो एक्ट है इसमें विशेष तौर पर 6 जो कम्युनिटीज़ हैं उनको ही इन्वॉल्व किया गया था, जबकि मुस्लिम्स, श्रीलंकन, तमिल्स और जो म्यांमार से जो एक कास्ट, एक जो कम्युनिटी थी रोहिंग्या, वो भी वहाँ से आई, उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये जो एक्ट जब आया तो सबसे पहले यही टारगेट लोगों के मन में यही बात आई कि ये जो किसी टाइम में वी डी सावरकर का जो व्यू था इंडिपेंडेंस से पहले कि एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, तो क्या ये एक हिंदू राष्ट्र बनाने की मंशा थी? तो लोगों के मन में इस तरह के विवाद काफ़ी ज़्यादा हुए। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो डेली, पहली बात तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि एक न्यूज़पेपर आप डेली पढ़िए, वेदर आप हिंदू का पढ़िए चाहे आप इंग्लिश का पढ़िए। उससे क्या है कि जो करंट में जो इश्यूज़ आ रहे हैं, उन इश्यूज़ के रिगार्डिंग आप, रिगार्डिंग जो आपके मन में क्या व्यूज़ आ रहे हैं, क्या आपके थॉट्स हैं, आपकी जो थॉट्स डेवलपमेंट है वो हो जाएंगी। और करंट में किन किन बातों पे ये विवादित था, तो अगर वो बातें आपके माइंड में इशू के रिगार्डिंग अगर आप पढ़ते रहते हो न्यूज़पेपर में, साल के मुश्किल से 50-60 ऐसे आर्टिकल होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको बार बार रिपीट भी किया जाता है। मैं जो है हिंदू न्यूज़पेपर को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे हिंदू न्यूज़पेपर जो है 100% ऑथेंटिक लगता है, क्योंकि बहुत पुराना न्यूज़पेपर है। तो आप वो भी पढ़ा कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि जब ये एक्ट पर बवाल मचा तो क्या क्या उस टाइम में हुआ और कहाँ कहाँ पर क्या सिचुएशन अराइज हुई। जब तक आप न्यूज़ के टच में नहीं रहेंगे, आपको कुछ भी जो है जनरल अवेयरनेस है, आपका मेंटल थॉट है, वो नहीं बढ़ पाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जज ही बने, आप जज बने इसलिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। आपकी अपनी अवेयरनेस के लिए भी तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, मुस्लिम्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया,
और पहली बार ऐसा हुआ था सिटीजनशिप के अंदर इंडियन लॉ के अंदर रिलीजन को मुद्दा लेकर चला गया। इससे पहले कभी भी रिलीजन को बेस नहीं बनाया गया, ये पहला ऐसा अमेंडमेंट था जिसमें रिलीजन को बेस दिया गया, रिलीजन ही इसका आधार था। इसके मुख्य एलिमेंट्स क्या थे कि जब ये सिटीजन कोई भी सिटीजन बाहर कोई भी माइग्रेंट इलीगल माइग्रेंट है या कोई भी माइग्रेंट बाहर से जब हमारे देश में आएगा तो सबसे पहले उस पर फॉरनर एक्ट 1946 अप्लाई होता था, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 अप्लाई होता था। और अगर मान लो जब इस एक्ट में ये इतनी छूट दे दी गई तो इस एक्ट में ये भी एग्जेम्पशंस दे दिया गया इलीगल माइग्रेंट्स को, उनको जो फॉरनर एक्ट्स के इससे तहत भी छूट दे दिया गया। और 1920 का जो एक्ट था फॉरनर एक्ट के अलावा जो पासपोर्ट एक्ट था उसमें ये मैंडेट किया गया था जब भी फॉरनर कोई आएगा उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए। लेकिन इस एक्ट में 31 दिसंबर 2014 की जो कट ऑफ डेट दे दी गई, उस दिन या उससे पहले अगर कोई व्यक्ति आता है भारत में और इलीगल माइग्रेंट है, वो हिंदू मुस्लिम यानी कि सिक्स कम्युनिटीज़ में से हैं और वो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान और वहाँ से बांग्लादेश से आया है तो ही उसको जो है ये राइट दिया गया। तो ये एक तरीके से आप मान के चलिए कि ये एक गलत थॉट था। मेरा ये व्यू है, आपका क्या व्यू है वो आप अपना व्यू मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अपने मन में भी रख लीजिए, वो आपकी थॉट है। देखो मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं लेती, मुझे मैं किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं हूँ, मैं एक अपना पर्सनल व्यू आपको दे रही हूँ कि अगर यहाँ पर अगर किसी कम्युनिटी को किसी रिलीजन को छोड़ा गया है तो वो राइट टू इक्वलिटी का हनन तो करता ही है। उसके बाद इसके अंदर और क्या एलिमेंट्स थे कि इस एक्ट में जब अमेंडमेंट किया गया तो जो हमारी सिक्स शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें आसाम मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा जो है वो एरिया इंक्लूड किया गया है। इस एक्ट में अगर वहाँ के जो ट्राइबल एरियाज़ के जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उस पर ये सिटीजन जो एक्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। उसके अलावा जो ट्राइबल एरिया जैसे करबी एंग्लोज आसाम में, गारो हिल्स मेघालय में, चकमा डिस्ट्रिक्ट मिजोरम में और त्रिपुरा में, ये ट्राइबल एरिया में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और ये जो एक्ट है उन पर भी अप्लाई नहीं होता जहाँ पर इनर लाइन परमिट है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट है 1873 उसमें कोई इनर लाइन परमिट दिया गया। इनर लाइन परमिट का मतलब है कि वहाँ से लाइन के तहत परमिट करके बॉर्डर क्रॉस करके एक परमिशन के दौरान भी वो अपने देश में आ सकते हैं, तो उस पर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। इनर लाइन परमिट का जो एरिया है उसके अंदर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम विद मणिपुर जो है वो जो है इसमें जल्दी ही ऐड किया गया। एक आप बात मान के चलिए कि जो छोटी छोटी ये सिक्स शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये प्रीमी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जुडिशरी में पॉलिटी आता है, मेन मेन पॉइंट्स आते हैं, मेनली फंडामेंटल राइट्स पे फोकस होता है, मेनली हाई कोर्ट पे फोकस होता है, मेनली सुप्रीम कोर्ट और जो रिट्स पेटिशंस हैं उन पर फोकस किया जाता है। और ये जो जहाँ पर फुली कॉन्स्टिट्यूशन आता है किसी के सिलेबस में है, किसी के एग्ज़ाम के सिलेबस में IAS HCS है या PCS का कोई एग्ज़ाम है या कोई अदर एग्ज़ाम है जुडिशरी का जहाँ पर डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, वहाँ पर आपके लिए इनर लाइन परमिट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला तो विवाद इस पर ये उठा कि लोग जो इसको प्रोटेस्ट कर क्यों रहे थे। सबसे पहला मुद्दा तो ये था कि सबसे पहली बात कि जो पॉलिटिकल कल्चरल और लैंड राइट्स थे जो आसाम और दूसरे नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट को, उन्होंने उनको ये डर था कि आज अगर बांग्लादेश से माइग्रेशन वालों को ये निकाल रहे हैं तो कल को इस नॉर्थन एरिया के जो लोग हैं उनको भी ये इलीगल माइग्रेंट का दर्जा ना दे दें और वो इंडियन सिटीजनशिप से उसे निकाल ना दें। एक तो उनके मन में ये डर था, दूसरा जो एजिटेटर्स थे जो विरोधी थे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको ये लगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो मुस्लिम के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, मुस्लिम के साथ भेदभाव कर रहा है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी इस बात की परमिशन नहीं देता। उसके बाद है कि जो शियाज हैं और जो अहमदीज हैं जो मुस्लिम मेजोरिटी हैं और पाकिस्तान में उनके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार होता है, तो वो लोगों पर भी ये सी ए जो है इनके अंदर जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में उनको इंक्लूड नहीं किया गया। उसके बाद ये भी क्वेश्चन उठा कि श्रीलंका में तमिल्स रहते हैं, नेपाल में मदेसीज रहते हैं, म्यांमार से जो रोहिंग्या है इनकी इतनी आप नॉर्मल लाइसेंस में कीजिए, इनके साथ इतना इल ट्रीटमेंट हो रहा था, इन्हें वहाँ से निकाल दिया गया, लाखों लोगों को मारा भी गया है इलीगल तरीके से, ये न्यूज़ में भी आया था, तो अगर ऐसा उनके साथ हो रहा तो उनको भी तो इसमें इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन उनको भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। उसके बाद इसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स आपको और बताना चाह रही हूँ जो पॉइंट्स मेरे माइंड में आ रहे हैं कि हमारा देश जो है वो सेक्युलर की बात करता है। सेक्युलर का मतलब है कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में
सभी धर्म समान हैं, किसी भी रिलीजन के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जब अगर हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं तो हमें ऊपरी तौर पे क्या अंदरूनी तौर पे भी ये लगता है कि यहाँ पर जानबूझकर मुस्लिम्स को निकाल दिया गया, अदर कम्युनिटीज़ को निकाल दिया गया। हो सकता है कि लेजिस्लेचर की ये मंशा ना हो, लेकिन जब हम ऊपरी स्तर पर देखते हैं कि एक्ट में जब साफ तौर पर उनको इंक्लूड नहीं किया गया, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ वर्ड इंक्लूड करना था। परसिक्यूटेड माइनॉरिटी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति, चाहे वेदर वो किसी कास्ट का क्यों ना हो, अगर उसके साथ कोई भी इल ट्रीटमेंट हो रहा है तो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी में काउंट होती है, तो उसके तहत उनको भी नहीं लिया गया। ये प्रोटेस्ट तो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इस मामले में काफ़ी ऐसे जो स्टेट्स थे उन्होंने ऑर्डिनेंस भी उन्होंने लेके आया कि हम जो है इसको नहीं मानते, हम इसका जो है क्या करते हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो है केरला असेंबली ने एक जो है इसके रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस पास किया, रेजुलेशन पास किया। उसके बाद इसके अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर जो पंजाब है उसने भी पास किया, और उसके बाद पंजाब ने तो रेजुलेशन पास किया, फिर राजस्थान गवर्नमेंट ने किया और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने किया। ये तो आप एक मान के चलिए कि ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी नहीं, राजस्थान में भी बीजेपी नहीं, पंजाब में भी नहीं और केरला में भी नहीं, तो ये वो एरियाज थे जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। तो इनका तो नॉर्मल था, इन्होंने प्रोटेस्ट करना ही था। इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी इसके रिगार्डिंग काफ़ी कुछ बातें उठी। इंटरनेशनल लेवल पे जब बात उठी तो उसमें भी इसका विरोध किया गया। ये माना गया कि जो ये तरीका था, ये तरीका जो है कुछ गलत था। जो आसाम में जापान अपना कोई फाइनेंशियल प्रोजेक्ट लाने वाला था, उसने वो रिजेक्ट कर दिया कि वो फाइनेंशियल प्रोजेक्ट नहीं लाएगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वहाँ पर एजिटेशन हो रहा था, जिसके बाद कोई भी विदेशी कंपनी हमारे देश में कुछ जो है एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहती, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती थी। USA और अदर कंट्रीज़ जो थी, ह्यूमन राइट वायोलेशन का भी इसमें काफ़ी डिस्कस हुआ, लेकिन इतने में क्या हुआ कि ये सारा मामला ढीला पड़ गया, और ढीला ऐसे पड़ गया कि कोरोना का इशू आ गया। कोरोना के इशू के आने की वजह से सभी लोग जो है उसी को भूल गए, और जो कुछ लोग धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए थे उन लोगों को भी कोरोना की वजह से जब गैदरिंग नहीं कर सकते थे, तो 188 के तहत IPC के तहत पुलिस ने भी वहाँ भी काफ़ी एक्शन ले लिया। तो ओवरऑल हमारे लिए सिटीजनशिप जो आर्टिकल 5-12 है उसमें जो डिस्कशन है वो इम्पोर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड आर्टिकल 5 में क्या है, 6 में, 7 में, 8, 9, 10, 11 में मोटा मोटा आप देख लेना क्या हेडिंग्स हैं उसके रिगार्डिंग। उसके बाद इम्पोर्टेंट आ जाता है कि अगर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया तो ये कब जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये 15 जुलाई 2016, ये डेट आप माइंड में रखिएगा। कब पास किया गया, 11 दिसंबर 2019 को पास किया गया। कब नोटिफाई हुआ, 10 जनवरी 2020 को। जब इसे पास कर दिया गया 11 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में, तब इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, इतना ज़्यादा एजिटेशन हुआ, और उसी टाइम में हैदराबाद वाला कांड भी हो गया था, जो गैंग रेप हुआ था एक वेटनरी डॉक्टर के साथ, उसी दिसंबर की ही बात है वो भी। तो ऐसे करके उस टाइम जो न्यूज़पेपर्स जो थे वो काफ़ी सुर्खियों में थे। एक तो हैदराबाद वाला कांड था और एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था। उस टाइम इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट इसलिए किया गया कि 10-11 दिसंबर और 10 जनवरी के बीच में तकरीबन 1 महीने का टाइम था, तो हो सकता है उस प्रोटेस्ट की वजह से ये नोटिफाइड नहीं होता। ये सोचकर कुछ ज़्यादा उस टाइम विरोध प्रदर्शन हावी था, एजिटेशन बहुत ज़्यादा हावी था। एजिटेटर जो थे वो जान माल की हानि कर रहे थे, और जो भी उनसे बन पड़ रहा था वो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जो काम होना है वो तो होगा ही होगा, तो ये नोटिफाइड भी हो गया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये 6 कम्युनिटीज़ है, कौन कौन से, 3 देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। मुस्लिम को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। फर्स्ट टाइम इंडियन का जो हिस्ट्री है, इंडियन लॉ की हिस्ट्री है, उसके अंदर फर्स्ट टाइम जो है रिलीजन के बेस पर कोई अमेंडमेंट एक्ट आया है। एलिमेंट्स है कि फॉरनर एक्ट 1946 अप्लाई नहीं होगा, पासपोर्ट एक्ट 1920 भी अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद है 6 शेड्यूल में जो आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को इसको इंक्लूड नहीं किया गया। जब उसको इंक्लूड नहीं किया गया तो जो ईस्टर्न एरिया के जो लोग थे वो ज़्यादा भड़क गए कि कल को हमें भी इसी तरीके से निकाल ना दिया जाए। उसके बाद पाकिस्तान में जो शियाज और अहमदीज है उनके साथ भी ट्रीटमेंट हो रहा था, उसको इनमें इंक्लूड नहीं किया गया। श्रीलंका में जो तमिल्स रहते हैं उनके साथ भी ट्रीटमेंट होता है, उसको भी इंक्लूड नहीं किया गया। इसी तरीके से म्यांमार का जो रोहिंग्या का मैटर है वो भी काफ़ी ज़्यादा विवादों में था, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था, तो उसको भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो इस बेस पर ये माना गया कि ये राइट टू इक्वलिटी का एक तरीके से
हनन है और लोग इसीलिए इसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे। और प्रोटेस्ट करने से क्या हुआ, अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, पेंडिंग चल रहा है, अब डेट पे डेट पड़ रही है, अब देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या आता है। तो इस तरीके से हमारा जो सिटीजनशिप है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक आप, मैं ये कह रही हूँ कि सिटीजनशिप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये बात भी गौर करने लायक है कि जब एग्ज़ामिनर पेपर तैयार करता है और उसको लगता है कि स्टूडेंट्स ने ये नहीं पढ़ा होगा तो वो कुछ ऐसा भी कर देते हैं कि कुछ पेपर उलझाने के लिए, कुछ कट ऑफ में उल्ट पुल्ट करने के लिए, उल्ट फेर करने के लिए ऐसे क्वेश्चन मेंस में भी डाल देते हैं, प्री में भी डाल देते हैं। तो आपको इसे बार बार रिवाइज़ भी करना है, जब तक रिवीजन नहीं करोगे कोई भी लेक्चर सुनने का बेनिफिट नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने का बेनिफिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम हमारा चुटकियों में निकल जाता है, कई बार हमारे लक में कुछ और लिखा होता है और हम किसी अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। मैं तकरीबन 3 साल से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है मेरे लिए परमात्मा ने कुछ अच्छा सोचा होगा। तो मुझे इस चीज़ की मैं बिल्कुल माइंड में नहीं करती कि मैंने कितना पैसा जो है लगा दिया एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, या मैंने अपना कितना कीमती टाइम वेस्ट कर दिया। मेरा इंटरेस्ट प्रैक्टिस में कम है तो मेरे लिए पढ़ाना जो है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। और मुझे ये लगा कि यूट्यूब से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं, क्योंकि यहाँ हम जितना कुछ भी पढ़ाते हैं वो एक तरीके से आप ये भी मानिए कि इससे जो वीकर सेक्शन है उनको भी काफ़ी यूजेबल हो जाता है, और अपना भी जो टाइम है रिवीजन के मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो हो सकता है आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हो तो वो एक अलग मैटर है, अदरवाइज़ मेरा टारगेट जो है वो सिलेबस कंप्लीट करवाना है। देखते हैं धीरे धीरे ये कछुए की रेस से हमारी गाड़ी, कछुआ ये अपनी रेस कब जीतता है, क्योंकि मैं खरगोश की चाल से नहीं चल रही हूँ। और अब तकरीबन 1 महीना होने को आ गया है, ये कोरोना के प्रॉब्लम की वजह से माल की सप्लाई रुक चुकी है, कम हो चुकी है, उस वजह से मेरा वाईफाई का कनेक्शन भी अभी तक नहीं लग पाया। देखते हैं कब लगेगा, लगेगा उस दिन मैं आपसे शेयर करूँगी, अदरवाइज़ हम 2-3 दिन में एक वीडियो तो है बना के मैं अपलोड करती रहूँगी। तो आपको आज का ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो आप आज के वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आप ये चाहते हो कि फर्दर आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए, क्योंकि सिटीजनशिप है वैसे इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है प्री और मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट रिसेंटली जो अमेंडमेंट्स हो गए उसके बाद सिटीजनशिप बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए आपको ये बार बार रिवाइज़ भी करना है। अगर आप इसे बार बार रिवाइज़ करते हो तो आपके ये टिप्स पे हो जाएगा, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और कोरोना का इश्यू ज़्यादा बढ़ रहा है, अभी तक उसकी कमी के कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपना बचाव रखिए, घर पर रहिए, अपने घर के छोटे मेम्बर्स जो छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान रखिए, और जो बुज़ुर्ग हैं उनका भी आप ध्यान रखिए, और घर से बाहर कम से कम जाइए। बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है तो हमें मजबूरी में बाहर जाना ही पड़ सकता है, लेकिन आप अपना बचाव कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।